नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हंडिट न्यूज। पत्रकार ही बन रहे पत्रकार की जान के दुश्मन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है, जहां एक पत्रकार द्वारा दूसरे पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाला स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। शांत पहल दैनिक समाचार पत्र के जिला ब्यूरो सौरभ शर्मा ने बताया कि भारत समाचार के पत्रकार कपिल अग्रवाल ने एक मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में रात 1:48 पर ग्रुप में मैसेज भेजकर सौरभ शर्मा को हत्या करने की धमकी दी और ग्रुप में लिखा कि सौरभ शर्मा तेरी लाश अज्ञात में मिलेगी, तेरी लाश को तेरे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। इसी को लेकर शांत पहल के आगरा ब्यूरो ने इस पत्रकार की लिखित शिकायत एडीजी जॉन राजीव कृष्णा से की। एडीजी राजीव कृष्णा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कपिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मीडिया हंडिट न्यूज आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं दैनिक शांत पहल आगरा का ब्यूरो हूँ। क्या मामला है जो आज आपको मिल जाए? मैं पिछले काफ़ी दिनों से माफियाओं को आगरा के मीडिया के अंदर काफ़ी माफिया लोगों की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर मैं अपने अखबार के अंदर काफ़ी समय से खबरें प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरी खबरों पर कार्रवाई भी हुई, ड्रग माफिया के खिलाफ एनसीबी ने कार्रवाई की। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा एक माफिया और है, उसके खिलाफ मैंने एक ग्रुप के अंदर खबर चलाई थी। उस खबर चलाने के कई दिन बीत जाने के बाद परसों रात को 1:48 पर भारत समाचार का पत्रकार, जिसका कि नाम कपिल अग्रवाल है, जिसने ग्रुप के अंदर डाला था कि सौरभ शर्मा मुझे आड़ू वाड़ू पत्रकार मत समझना, बद्दी बद्दी उसने गालियां देते हुए लिखा कि सौरभ शर्मा तुम्हारी लाश का पता नहीं चलने दूंगा, तुम्हारे सबके सुना नहीं हो पाएगी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सबको नहीं पहचान पाएंगे। जब मैंने सुबह ये मैसेज देखा तो मैंने अगले दिन ही जाकर थाना मतलब तहरीर दी। थाना प्रभारी को तहरीर देने के बाद मैंने एसपी सिटी साहब को फ़ोन किया, जिनने शाम को 6:30 का समय दिया था। मैं किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं आज सुबह एडीजी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप के खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की है। जो इनके आगरा ब्यूरो अनुपम पांडे, उन्होंने भी मेरे रिपोर्टर को धमकाते हुए कहा कि फ़ोन पर करो करो कार्रवाई करवाओ, ऐसे ही पीटे जाओगे, तुम होते कौन हो खबर चलाने वाले। तो मैंने एडीजी साहब से मांग की है कि जो भी माफिया को संरक्षण देते हैं उन सब खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, कपिल अग्रवाल जो पत्रकार है उसका थाना छत्ता में दबदबा है, मुकदमे भी हैं उसके खिलाफ? जी हाँ, मालूम पड़ा है कि थाना छत्ता में इसका काफ़ी दबदबा रहा है, काफ़ी जो गलत काम होते हैं इसको भी संरक्षण देता है, और पूर्व में भी इस पर थाना छत्ता में मुकदमे लिखे गए हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मगर अभी कन्फर्म जानकारी नहीं है इस पर कितने मुकदमे थाना छत्ता में चल रहे हैं। आपको क्या आश्वासन मिला? ईडी साहब ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कपिल गौतम, अध्यक्ष जनरल। आज आप ईडी साहब से मिले हैं, क्या मामला है पूरा? परसों रात को हमारे पत्रकार साथी सौरभ शर्मा को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक धमकी दी जाती है पत्रकार द्वारा कि तुझे जान से मार देंगे, तेरी चेहरा लाश नहीं पहचान पाएंगे, तेरे पड़ोसी दोस्त परिवार वाले तेरी लाश को नहीं पहचाने, पत्थर से कुचल के तेरी लाश को चेहरे को ख़राब किया जाएगा। जब ये बात सामने आई तो हमने सौरभ शर्मा जी से बात की कि भाई क्या मैटर है क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने जो है कुछ दिन पहले एक ड्रग माफिया कपिल अग्रवाल के खिलाफ अपने अखबार में खबर प्रकाशित की थी, जिससे उस पर असर हुआ, नार्को टीम उसको उठा ले गई। यही उन्होंने तेल माफियाओं के लिए लिखा कि आगरा में तेल माफियाओं को भी संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने नाम नहीं खोला किसी का, लेकिन कपिल अग्रवाल ने जो है जो अपने आप को भारत समाचार का बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं और कहते हैं कि पुलिस को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जितना मुकदमे चाहते हैं लिखवा लो। आज जब सौरभ शर्मा से हमारी बात हुई, सौरभ शर्मा ने कहा कि भाई सुबह शाम को एसपी सिटी साहब से मुलाकात होनी है, हमने फ़ोन किया तो एसपी साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो मालूम पड़ा कि एसपी सिटी साहब के हमसे पहले ही वहाँ 4 लोग जाकर बैठ चुके थे, उन्होंने हम लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या कह के एसपी साहब के कान भरे और एसपी साहब ने हमारी बात को सुनने से मना कर दिया और फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा। तब आज हम लोग एडीजी साहब के पास आए, अपनी बात रखी, एडीजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करके इस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की करेंगे। पत्रकार को मालूम पड़ा है कि चैनल के जो वीरो हैं वो भी, हाँ इसमें भी एक वो आया है कि जो चैनल के वीरो हैं अनुपम पांडे जी, उन्होंने शांत पहल के पत्रकार अर्जुन सिंह को फ़ोन किया और उनको धमकी दी कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा एसोसिएशन है उसको भी देखेंगे, जिसके तहत तुम FIR करने जा रहे हो और तुम लोग तो ऐसे ही पिटोगे, कुत्ते हो, कुत्तों की तरह पिटोगे, इस तरह की अपलब्ध बातों को उन्होंने वो प्रयोग किया। और जब उनसे हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, बोला इन्हें तो पहले मैं मार के तभी बात करूंगा, इस तरह की कुछ बातें हुई हैं। सुनने में आया है कि ड्रग माफिया का कुछ नज़दीकी है ये कपिल अग्रवाल जो दूसरा भारत समाचार? हाँ, कपिल अग्रवाल ड्रग माफिया कपिल अग्रवाल का ही है, क्योंकि कपिल अग्रवाल जो ड्रग माफिया था वो इनको सारे खर्चे इनके मुहैया कराता था, इनको फ्लैट तक दे रखा था। सुनने में आया कि इनको फ्लैट वगैरह दे रखा था, इनके अय्यासियों को अड्डा जो उसने अपने फ्लैट में बना रखा था, तो सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए पूरी सपोर्ट उनकी थी, उसको करते थे ये लोग। और ये अकेला ही नहीं, कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो
धीरे धीरे तार पुलिस जांच में लगी हुई है, धीरे धीरे तार खुलेंगे, कौन कहाँ क्या कैसे है।